Good morning, students. Now let's start our video version of chapter number 2, The Tiger King, from Whistles. And we already completed our audio version of this lesson. Okay, so let's start. The Maharaja of Pratibandhampuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Satta Vyagra Samhari Maharaja Dhiraj Vishwa Bhuvana Samrat Sar Jilani Jang Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. ये जो लेसन है टाइगर किंग, वो उसका जो नाम है टाइगर किंग, वो क्यों पढ़ा, ये चैप्टर का नाम टाइगर किंग क्यों है. तो यहाँ पे एक राजा एक महाराजा की स्टोरी है जो प्रतिबंधमपुरम पे राज करता है. यहाँ पे प्रतिबंधमपुरम जो है वो एक राज्य का नाम है. और ये जो सारा जो नेम है जंग जंग बहादुर, वो एक महाराजा को एक उपाधि कहते ना, कि किसी राजा को अगर, और जैसे अकबर था तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हमें ऐसे उनको उपाधि दी थी ना, तो वैसे ये राजा को एक और इतनी उपाधियां दी गई है. और जैसा कि मैंने ऑडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ओके, तो और ये जो सारी डिग्रीज है वो इतना पढ़े हुए हैं, बट शॉर्ट में इनको क्या कहते हैं, टाइगर किंग. और वो टाइगर किंग क्यों कहते हैं वो ये स्टोरी में. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग कहा जाता है, वो भी पढ़ते हैं आगे. I have no intention to pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it is like, can beat a hasty retreat from my story. Hasty मतलब quick. तो यहाँ पे स्टिका बॉम्बर मतलब एक जो विश्व युद्ध होता है उसके अंदर एरोप्लेन जो होते हैं, मतलब फाइटर प्लेन, एरोप्लेन नहीं सॉरी, जो फाइटर प्लेन होते हैं उसको, उसमें एक कहते ना, एक जैसे एक ऐसा फाइटर प्लेन का जैसे नाम है स्टिका बॉम्बर, जो सब कुछ तबाह कर देता है. तो यहाँ पे स्टिका बॉम्बर उस वो कंपेरिजन में नहीं है, बट स्टिका बॉम्बर ये एक राजा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. अब यहाँ पे हमारा जो देश है भारत, वो राजा और महाराजाओं की कहानियों से भरा हुआ, जैसे राम जो थे वो दशरथ के बेटे थे. तो ये उस टाइप का राजा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था ऑडियो में, कि जो राजा है वो थोड़ा न्यू फॉरवर्ड है ना, नए जमाने का राजा है, जो कहते हैं ना, कार में भी जाता है, गन भी रखता है, हंटिंग करता है. तो पहले के जमाने के जो राजा, ऐसी स्टोरी नहीं है ये. हाँ, राजा महाराजा और राजा अभी भी है, अपने 21st सेंचुरी में भी है. ओके, कई परिवार जो है वो शाही परिवार से बिलोंग करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा नहीं है. उनके खानदान जो पहले थे राजा धीराज, राजा राज करते थे, है ना. तो अब वो ही आगे आ रहा है, तो वो एक शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ये वन टाइप ऑफ ऐसा राजा है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट. इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. इसका जो डेथ है ना, वो एकदम अलग तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, जो इसके एंड में अपने सुनेंगे तो मजा आएगा. वैसे भी अगर जिसने ऑडियो देखा है उसको पता ही है कि इसका एंड क्या होगा. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. अब ये जो राजा है उसकी डेथ कैसे होगी, एस्ट्रोलॉजर है, उसने एक भविष्यवाणी की है कि भाई ये राजा की डेथ कैसे होगी. ओके, The child will grow up to become the warrior of warrior, heroes of hero, champions of champions. But they bit their lips and swallow hard. When completed, to continue the astrologer came out with it. तो astrologer जब बुलाते हैं, हर एक person जो होता है अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए एक ज्योतिष को बुलाते हैं, मेरे बच्चे का क्या भविष्य है, ठीक है. तो बोलता है ये राजाओं का राजा होगा, हीरो का हीरो होगा, चैंपियन होगा सब में. बट तो बट बोलते हैं ना जहां पे, तो सब लोग ऐसे ये बट क्यों बोले एस्ट्रोलॉजर जो है वो, तो बोलते हैं कि
This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under the star will one day have to meet its death. But एक दिन ये जो राजा है, ये जो बच्चा है, वो उसकी डेथ हो जाएगी. और उसका रीजन क्या बोलते हैं वो? At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old. Jinani jang jang bahadur, oh wise prophets. अब एक 10 दिन का बच्चा जो है वो कुछ आवाज करता है, कुछ बोलता है, तो वहां पे बैठे हुए सारे जो है वो शॉक हो जाते कि 10 दिन का बच्चा ऐसी एक्टिविटी कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है. बट एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये बहुत होशियार बहादुर होगा, बट उसकी डेथ तो डिसाइडेड है, कोई अमर होके यहाँ पे नहीं आया है, भले ही ये कितना भी होशियार क्यों ना हो. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन. They look wildly at each other and blinked. वो एक दूसरे को मतलब शॉक में भी थे और एक दूसरे को देख भी रहे थे कि ये मतलब क्या हो रहा है, ये क्या मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है कि 10 दिन का बच्चा कोई आवाज कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ रिप्लाई कर रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो उसके सामने जैसे कुछ रिवर्ट किया हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं 10 दिन का बच्चा जैसे एस्ट्रोलॉजर को ऐसा जवाब दे रहा है कि वो तो मैं देख लूंगा, मेरी मौत के ऊपर मैं हावी हो जाऊंगा, ना कि मेरी मौत को मैं मेरे ऊपर हावी होने दूंगा. ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक. दिस टाइम देयर वेर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज अगो हु हैड एनसेंटेड द वर्ड्स सो क्लियरली. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेस्ट identically at the baby. All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of their death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब वो बच्चा बोला तो ठीक, लेकिन क्या बोला कि foolish stupid astrologer. हर एक बंदा जो दुनिया में आता है उसको मरना ही है ना. क्या बोलता है वो कि जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसकी डेथ तो होने ही वाली है, तो मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं. तो ये एस्ट्रोलॉजर, ये तू मेरे को भविष्यवाणी मत कर कि मैं मर जाऊंगा. बट अगर हाँ कुछ अलग से तू कहता है तो मैं तेरे को मान जाऊंगा कि तू बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है ना. अलग से क्या कि अगर वो इसको बता दे राजा को कि भी उसकी डेथ कैसे होगी या किस रीजन से होगी, क्या होगा, तो कहा जा सकता है कि चलो भाई ये बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है ना. वो बोलता है कि कोई मैनर ऐसे तुम मेरे को दे ताकि मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकूं, बाकी मरने वाले तो सब है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. अ बेबी बैली 10 डेज ओल्ड ओपन इट्स लिप इन स्पीच. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. इनक्रेडिबल rather like the bulletins issued by the war office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना गणित जो है वो ऐसे जोड़ते हैं, अंक जोड़ते हैं, और फिर बोलते हैं कि इसका तो जन्म है वो बुल मतलब अपने यहाँ पे अगर देखे तो वृषभ राशि होती है, बट वहां पे जो होता है वो राशि का मतलब जो काउंटिंग होता है इंडिया के बाहर वो पूरा अलग होता है. हमारा जैसे मेष है तो एरिस, फिर टॉरस है ना, वृषभ, तो अलग से हमारा इस तरीके से रहता है. उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरा अलग से रहता है, बट यहाँ पे बुल मतलब अपने अगर हम एग्जांपल भी ले लें तो मानो कि वृषभ राशि, तो वृषभ राशि में अगर मतलब टॉरस राशि में अगर उसका जन्म हुआ है तो वो ये कहता है कि बुल एंड टाइगर एक दूसरे के क्या है, कट्टर दुश्मन है, क्योंकि टाइगर क्या करता है, बुल का शिकार करता है. तो जो राजा है वो वृषभ या टॉरस जो भी कहो बुल राशि में जन्मा हुआ है तो टाइगर जो है उसका दुश्मन है. तो इन बिटवीन फ्यूचर अगर उसकी डेथ होती है तो उसका जिम्मेदार एक टाइगर ही होगा. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वक वेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर.
That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अब वो बच्चा क्या बोलता है, चलो भाई टाइगर अभी मेरे से बच के रहना. This account is only a rumor, rumor rife in Pratibandhampuram, but this insight we may conclude it was based on some truth. बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर इसको सब लोग रूमर समझ के भूल जाते हैं कि चलो होगा ऐसा कोई, वैसा कोई थोड़ी ना होता है. धीरे धीरे समय जाता है तो वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी ट्यूटर्ड in English by an English man. So nothing but English films exactly. As the crown prince crown prince of all the other Indian states did. अब उसके जो ये जो बचपन में एक छोटा सा मिरेकल जैसा इंसिडेंट हो गया वो जब 10 दिन का था उसके बाद डे बाय डे वो बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है बट कोई भी इंसिडेंट कोई भी मिरेकल अभी कुछ भी हुआ नहीं है. तो सब अपनी लाइफ में बिजी, वो बच्चा भी अपनी लाइफ अपना चाइल्डहुड है वो जी रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है आगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है. और उसने जो दूध, तो दूध किसके पीता था, वो इंग्लिश काउ का दूध पीता था. इंग्लिश नैनी उसकी देखभाल करने आती थी, उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश मैन, मतलब कोई जो ट्यूशन के सर रखे होंगे या कुछ भी, तो वो इंग्लिश मैन थे. एंड फिल्म्स भी, मतलब मूवीज भी देखते तो इंग्लिश मूवी देखता. तब इंडियन स्टेट्स में ये सब, वहां के राजा जो थे और उनके बेटे जो भी होते थे वो ये सब नहीं करते थे जो ये टाइगर किंग करता था. When he came of age at 20, the state which had been with the court of wars until then come into his hands. But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. अब हुआ ये कि वो बड़ा हो गया, उसके हाथ में राज्य आ गया, बट सब लोग जो थे, अब जैसे वो राजा बना तो वो सारा जो रूमर था, मतलब रूमर समझो या एस्ट्रोलॉजर की वो बात, वो प्रिडिक्शन जो था, जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि जैसे ये राजा बनेगा इसकी डेथ एक टाइगर से होगी, तो वो जो है बातें होनी राज्य में शुरू हो गई. और वो धीरे धीरे कहां पहुंचती है, ये राजा के कान तक पहुंच जाती है. देयर वेयर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधमपुरम स्टेट. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tiger in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. अब वो कहते हैं किसी, वो कहता है राजा कि भाई किसी बुजुर्ग ने बोला हुआ है ना, और प्रतिबंधमपुरम में बहुत सारे जंगल थे तो वहां पे टाइगर्स भी इतने सारे थे, तो किसी, वो बोलते हैं किसी बुजुर्ग ने बोला है कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर किसी गाय को, काऊ को भी मारा जाए तो वो गुनाह नहीं है, जबकि यहाँ पे तो मुझे टाइगर से खतरा है, तो मैं अगर टाइगर को मारता हूँ, उसको हंटिंग करता हूँ अगर उसका, तो वो क्या है कि मेरे डिफेंस में होगा, तो वो कोई हत्या नहीं होगी और ना ही कोई वो गुनाह होगा. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शो हिम द डेड बीस्ट. व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड. योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड. अब जैसे एक टाइगर को मारो, उसको तो ऐसा था कि भाई एक टाइगर को ही मारना है, तो मार के तो वो क्या करता है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि देखो भाई मैंने तो इसको मार दिया टाइगर को जो मुझे मारने वाला था. तो उसने क्या बोला कि अब तू क्या बोलेगा बोल. महाराजा उसको ऐसा बोलता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि महाराजा यू मेजेस्टी ऐसे ही 99 टाइगर को मारते रहो, है ना, 99 टाइगर को ऐसे ही मारो एग्जैक्टली. बट अब वहां पे फिर से बट आ गया. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. बट जो 100 टाइगर है, जो 100वां टाइगर है, उससे बच के रहना. व्हाट इफ द 100 टाइगर वेर आल्सो किल्ड, देन आई विल चीयर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी सच फार टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माय टफ्ट क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकॉरेंट नोट. तो अब वो क्या बोलता है कि राजा कहता है कि चल ठीक है तेरी ये बात भी मैं मान लेता हूं, अगर मैं वो 100 टाइगर भी मार दूं तो खत्म कर दूं, तो
है ना। तो वो क्या कहता है, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मैं जो है ये सारी जो बुक्स है ना मेरी, उसको फाड़ के जला दूंगा। मैं मेरे एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर शायद आपने किसी देखा हो पंडित हो, तो उनको चोटी भी रहती है, थोड़े बाल लंबे रहते हैं, तो बोले मैं मेरे बाल भी कटवा दूंगा और फिर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, है ना, अगर मैं गलत हुआ तो।